हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माय फ्लेवर्स। घर पर बने मावे की मिठाइयाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं और इसलिए आज मैं आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से 5 मिनट में घर पर खोया या मावा बनाने का तरीका बता रही हूँ। मिल्क पाउडर से बनने वाले खोया की ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। और अगर अभी तक आपने माई फ्लेवर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साइड में दिए बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो के अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको ये खोया की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। मावा बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे आधा कप दूध और 2 टेबलस्पून घी। इन्हें हल्का सा गर्म होने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब दूध हल्का गर्म होने लग जाए तब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद हमें खोया को लगातार चलाते हुए पकाना है। स्पैचुला से लम्स को प्रेस करते हुए इस तरह से मावा में मिक्स करते जाएंगे। शुरू में ये मिक्सचर बहुत ही स्टिकी लगेगा, पर इसे जैसे जैसे हम कुक करते जाएंगे ये पैन की साइड छोड़ने लगेगा। देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद खोया अब पैन पर स्टिक नहीं हो रहा है और अब ये अच्छे से कंबाइन भी हो रहा है। हमारा मावा बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार मावा बना है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप इस मावे को गुजिया, गुलाब जामुन, बर्फी, हलवे या किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। इसे ठंडा करके फ्रिज में स्टोर करें। आप इस इंस्टेंट मिल्क पाउडर मावा की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी रेसिपीज को रिटर्न में देखने के लिए मेरी वेबसाइट www.myflavours.in को विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।